और टाइम हो गया तो पी ये प्रवाद उठन लगी आइयो हूं अलहमदुल्ला जी क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं साथ साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साथ साजिद व्लॉग। आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और राज़ी होंगे। फाइनली जी जुम्मा अदा कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में अदा कर रहे हैं तो इस टाइम घर आ गया हूँ। टाइम 3 बजे का हो रहा है तो दिल कर रहा था बाहर जाने को, तो अभी जा रहा हूँ मैं ज़रा खुद ही अकेला, अगर दोस्त मिलता उसको ले लेते हैं, नहीं तो खुद ही चलते हैं बिरयानी खाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, चलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी खा के आते हैं। आज अच्छी खासी गर्मी है आज भी। अभी जी पहुंच गए मेरे पीछे कराची बिरयानी वाले आ गए। इनकी कुक में ही 3 ब्रांच है, इनसे जा के खाते हैं, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है ना, चस्का वगैरह भी कुछ नहीं इनके आगे, तो आके खाते हैं इनसे बिरयानी कराची है बस। अस्सलाम वालेकुम। अगर साथ बोतल ना हो तो बिरयानी दूरी ही आ जाती है तो उसको पीते हैं साथ। ये भाई लोग सराइकी हैं तो सराइकी बोलते होते हैं, मुझे बोतल दे सो 200 बोतल। बहुत मज़ा आता है इनकी ये जबान सुनने का ना, सराइकी जबान बहुत मज़ेदार है सुने। तो चलते हैं घर। फलस्तीन के हवाले से लोग बाहर निकले हैं, जुम्मे का दिन है, देख के जरा बहुत ज्यादा लोग हैं। सुनम बंद करो, बंद कर, सालिमो 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 ये जी छोटी सारी क्यारी है, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि ये मैंने दूसरे व्लॉग में बनाई थी क्यारी। तो आज पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्यारी बनाएंगे इंशाल्लाह, बड़ी करेंगे, पौधे वगैरह छत पे लगाएंगे। तो अचानक ही मेरा प्लान बना तो मैं क्यारी बनाना है कि ये चीज़ें वगैरह ले आया हूँ। ईंटे मेरे पास छत पे हैं पहले ही पड़ी, सीमेंट मैं बाहर से ले आया हूँ, तो रेत रह गई थी वो भी मोहल्ले में एक मकान बन रहा है उनसे मैंने पूछ के रेत का एक दाबरा ले लिया। तो फिर फाइनली करते हैं तैयार एक क्यारी, फिर इसके ऊपर लाजमी पौधे वगैरह भी ला कर लगाएंगे, इसके अंदर मिट्टी भी डालेंगे। तो जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं, टाइम देखें ना 4:30 का हो रहा है, तो धूप ख़त्म होने वाली है, रोशनी ख़त्म होने वाली, तो करते हैं स्टार्ट। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأت بسم الله الرحمن الرحيم ليت إلى حبيبي فهده يا قلب ظريفا سيمر جي ميكس هو غير तो इधर पहले नीचे सीमेंट लगा लेंगे, क्योंकि नीचे अगर सीमेंट ना लगाया तो जब नमी हो जाएगी मिट्टी डालेंगे पानी लगाए करेंगे तो नीचे से सिल पैदा हो जाएगी, मतलब कि रंग वगैरह उतरने लग पड़ेगा। तो पहले नीचे सीमेंट लगा लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईंटे ऊपर लगाते जाते हैं और क्यारी बनाते जाते हैं। चलें जी चेक करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रीड की बुनियाद रखने लगे हैं हम लोग क्यारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह जी क्यारी का एक स्टेप हो बन चुका है। तो घर वाले ने मुझे एक आइडिया दिया यार, मेरे खुद जेन ने काम किया तो मैंने कहा ये बात सही है। बात ये है कि आगे मैं इसके साथ जोड़ रहा था क्यारी, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ना जोड़ो, थोड़ा थोड़ा फासला रखो, तो ये रेडी हो गया अभी, एक स्टेप रेडी हो गया, एक इधर करके रेडी होगी, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया दिया है इन्होंने, मैं तो नहीं सियाना, मेरे घर से आने ने। तो इसके ऊपर एक दो और स्टेप लगाते हैं, शाम भी होगी जल्दी जल्दी से, तो फिर आपको मिलते हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको। रात को कंप्लीट कर ली थी हमने ना क्यारी जो बनानी थी, एक कंप्लीट कर ली थी, एक रह गई थी। तो रात को ही बारिश आ गई, देखें ज़रा, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है फजर के टाइम, तो अभी भी बादल हैं, पर आपको क्यारी के लुक दिखाता हूँ। रात को मैंने नहीं थी दिखाई, रात को लाइट ज़रा कम हो गई थी, इसलिए तो चेक करिए ज़रा क्यारी, उससे अच्छी बनी है माशाल्लाह। देखे ना ये दूर से दिखाता हूँ, एक ये हो गई, एक ये और एक इधर करके बनेंगी ये। मेरा तो माइंड यही था कि आज बना लेंगे, तो पर आज बारिश आ गई है, अभी भी अगर धूप निकला ही ना आज, तो इंशाल्लाह आज ही शुरू कर देंगे आज कॉलेज की छुट्टी, की है आज सैटरडे है, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मौसम हुआ है। देखें अभी भी बादल कितने ज़्यादा हैं सामने, काफ़ी देर के बाद बारिश हुई है, तकरीबन एक मंथ के बाद आज बारिश हुई है। क्यारी को अंदर से भी मैंने ना सीमेंट के साथ सही प्लस से जिसको कहते हैं वो कर दिया, और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, अंदर से ज़मीन से भी किया, क्योंकि नीचे सिल वगैरह ना जाए। तो आपको दिखाता हूँ, देखें इधर आइए, अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सीमेंट लगाया अंदर मैंने ना, यही सिर्फ रह गया सीमेंट, मेरे पास काम होगा तो मैंने फिर दोबारा नहीं बनाया। तो ये साइड से ये उससे पहले वाले से ये अच्छी है, क्योंकि पहले वाली के अंदर मैंने कुछ नहीं था लगाया, इसके अंदर तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया, इसके बाहर भी कुछ नहीं था लगाया, तो माशाल्लाह ये प्यारी लग रही है। देखें ना साइड से लुक, ये जब तीन बनेंगे तब और ज़्यादा प्यारी लगेगी, जब इनके अंदर पौधे लगेंगे तब और ज़्यादा प्यारी लगेंगी भाई। इसी बने कंटेंट मिल गया और के चाहिए, चलते हैं नीचे अब कणक रखाते हैं। अरे अब तो ठंडा मौसम हो गया, अब कहाँ नहाए करेंगे हम लोग, बहुत सर्दी लग रही है जी, फिर शुरू हो गया, तो अब ठंडा मौसम हो गया, अब बहुत सर्दी लग रही है। अभी मैं यार हो कि कुछ सामान वगैरह लेने के लिए नाश्ता वगैरह भी जाके करना है। आपने बहुत बहुत जहाज़ देखे होंगे, लेकिन ये जो जहाज इस टाइम लैंड हुए हैं ना अभी अभी, तो आपने वो नहीं देखे, चेक करिएगा ज़रा। हाय 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 हाय, जो टाइम हो गया थोड़ा पी ये प्रवाद उड़न लगी आइयो हूँ ना भाजी सुते ने आके जहाज रेस्ट कर रहे हैं, सारी रात उठते ही रहते ना, हूँ रेस्ट करते देखते ही देखते कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है, सर्दियों का आगाज हो चुका है यार आज। वैसे नहीं थे आगे पीछे हम लोग नहाते, अब कहाँ नहाना, अब तो वैसे ही सर्दियाँ आ गई हैं, अब बहुत ठंडा पानी है यार। तो यार आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इतने प्यारे मौसम को इन्जॉय करना अगले ब्लॉग में, और क्यारी भी आप अगले ब्लॉग में ही बनाएंगे, क्योंकि आज तो कुछ बनना नहीं, आज बारिश होना शुरू हो गई, इसीलिए चलते हैं, बाय बाय।